वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिनके ऊपर आज के दिन एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चाहते हो इन शेयर्स के ऊपर कोई डिटेल वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया, इस शेयर्स का नाम है जी लर्स लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 9 रुपीज है और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है करीब 9.55% डे लो पे हुई है। अब एक बार हम इसके लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि देखो, इस टाइम इस शेयर्स ने अपना सारा सपोर्ट ब्रेक कर दिया और इसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर शेयर आपके पास है, देखो सेकंड कंडीशन, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरी तरफ से ना है, बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। और अगर शेयर आपके पास है तो देखो, इसमें टारगेट है जो अभी मुझे लग रहा है 8 रुपीज़ के आसपास चांस है यहाँ से रिकवरी कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो इसमें और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है, जो इसका चार्ट पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग। पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको इससे दूर रहना चाहिए, बाकी आपका अपना डिसीजन भी है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 2.50 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग हुई करीब 9% के आसपास डे लो पे। और एक बार हम इसका लेवल देख लेते हैं और इसके ऊपर लास्ट टाइम मैंने काफ़ी टाइम पहले करीब 7 to 8 मंथ पहले वीडियो बनाई थी, तो उससे मैंने कहा था देखो इस पे इन्वेस्ट मत करो, इससे दूर रहो तो बेटर है। तो वही हुआ, ये शेयर उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है। अब देखो उससे और नीचे भी आ गया। अगर आप पीछे देखो, पहले 7-8 रुपये के आसपास था, अब ये करीब आप देखोगे 2-2.5 रुपये के आसपास शेयर आ गया है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा गिरावट इसमें हो सकती है। अगर आपने के पास शेयर है तो बेचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिलना मुलना कुछ है नहीं। और अगर आपके पास 200 शेयर है उसमें बेचोगे आप तो आपका DP चार्ज लग जाएगा, तो इसके मेरे हिसाब से बेचने कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पड़े हैं तो पड़े रहने दो, पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते जो न्यू बायर है तो उन्हें मना करूँगा मत करो, बाकी आपका अपना डिसीजन है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर। इस कंपनी का नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 1.50 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग है नॉर्मल है, जिस प्राइस पे ओपन होता उसी पे इसने क्लोज का अपना दिया है। अब सिंपल है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो मैं आपको ना करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करो। लास्ट टाइम मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी और उस समय मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ, कि पैनी शेयर है और ऑलमोस्ट इसका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो एक बार इसका देखो जो पैटर्न आ रहा है, बीच में देखो एक अच्छा खासा मूव भी आया था। आप देखो करीब 3.90 रुपीज़ के आसपास ही गया था, यानी करीब 4 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस गया था और फिर एक डाउनफॉल आया। और इसमें यही हो रहा है, पंप एंड डंप, एक मूव आता है फिर डंप, फिर पंप फिर डंप। तो ऐसे शेयर्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको मना करूँगा, बाकी आपका अपना डिसीजन है। अगर आपके पास ये शेयर है तो बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ आपको मिलना नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज